जब माह सियाम रमजानुल मुबारक जलवा गर होता है, जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह जल्ला शानहु इस मौसम रहमत में ख़ास इनायात अपने बंदों पर फरमाता है। एक नफल अदा करने से फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है और एक फ़र्ज़ अदा करने से 70 फ़राइज़ अदा करने का सवाब मिलता है। इसी तरह राह खुदा में एक रुपया दोगे तो 70 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह बाकी नेकियां भी जितनी भी हम करते हैं, वो एक नेकी करेंगे तो 70 गुना अजर माह सियाम में हमें नसीब होता है। इसलिए अहले ईमान का ये तरीक़ा है कि वो इस महीने में कसरत के साथ तिलावत करते हैं, क्योंकि एक मरतबा अगर कुरान मजीद पढ़ लिया तो 70 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब हुआ। माह सियाम में चूँकि शैतान बंधा हुआ होता है, तो हम अपने आप को नेकी की तरफ अगर लाना चाहें तो उतनी रुकावटें नहीं होती जितनी आम दिनों में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो रात को बड़ा पक्का इरादा करके सोते हैं कि मैं सुबह वक्त पे उठूँगा और नवाफिल भी पढ़ूँगा और नमाज भी अदा करूँगा, लेकिन जब सुबह होती है तो उन्हें या तो जाग नहीं आती या नींद से बेदार हो जाते हैं, बिस्तर से उठा नहीं जाता। जबकि वही शख्स उन्होंने सुबह सब्ज़ी मंडी जाना हो तो छलांग लगा के उठते हैं और सब्ज़ी मंडी पहुंचते भी हैं। सुस्ती तबीयत का कसल नहीं होता। अमूमी तौर पे हम अपने आप को बीमार तसव्वुर कर लेते हैं और सुस्ती और कसल का नाम दे करके, बहाना दे करके हम कहते हैं कि बस क्या करें, हम को इरादा करते हैं रोज़ लेकिन हमसे उठा नहीं जाता, बस तबीयत इस तरह की है, कसल है, सुस्ती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इरादा करने के बावजूद भी सुबह जब हम उठ नहीं पाते या कोई भी नेकी का काम हम करने का इरादा करते हैं तो इरादा करने के बावजूद इरादा ही रह जाता है, हम कर नहीं पाते। तो इसका सबब यह होता है कि बहुत सारे हम गुनाह कर चुके हैं और उन गुनाहों की वजह से हम नेकी की तौफीक नहीं पाते। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही वजह इसकी बयान फरमाई है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि तौबा की जाए और तौबा भी सच्चे दिल से की जाए, रो रो के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और सच्चे दिल से जब तौबा की जाए तो फिर सारे गुनाह न सिर्फ मिटा दिए जाते हैं बल्कि उनको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। तो माह सियाम के अंदर पुख्ता अज़म करें और उस अज़म को अमल की शक्ल देने के लिए सच्ची तौबा करें कि हमारा ये रमज़ान इस तरह से गुजरे, ये महीना इस तरह से बसर हो कि हम इस महीने में अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर लें, हम गुनाहों से पाक हो जाएं और हम जो समारात हैं, जो फवायद हैं इस महीने के, वो हम समेट सकें। तो ये वो महीना है जिसके इंतज़ार में मेरे और आपके आका और मौला अपनी आँखें लगाए होते थे और दिन गिन गिन के वक्त गुजारते थे कि माह सियाम आ रहा है। तो इस महीने का इज्जत के साथ, तकरीम के साथ, एजाज़ के साथ इस्तकबाल करो और इसको पलकों पे बिठाओ, इसको दिल पे बिठाओ। इस महीने की तकरीम ये है कि इसमें हर बुरा काम छोड़ दिया जाए। अगर कोई शख्स बुरा काम नहीं छोड़ता और रोज़े रखता है तो मेरे और आपके आका मौला का एक फरमान सुन लीजिए, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा ताअमहू व शराबहू। फरमाया कि जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ा खुराक बचाओ मुहिम नहीं है जो चलाई जाती है, बल्कि ये तज़किया नफ्स का मौसम है, बातन की सफाई का मौसम है। और बातन की सफाई नहीं होती जब तक हम कोशिश करें। आपके बदन पे बहुत सारी मैल चढ़ी हुई है और जमी हुई है बदन के एक एक उज़व पे मैल, तो आप पानी में छलांग लगा के बाहर भी आ जाते हैं तो मैल नहीं उतरती। चलो कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ जाता है लेकिन मैल नहीं उतरेगी। मैल कब उतरेगी? जब आप अपने बदन को मलमल के उसके ऊपर साबुन लगा करके अच्छी तरह से उसको जब उतारेंगे मेहनत कोशिश से, तो फिर आपका बदन महक जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा, मैल उतर जाएगी। ये मौसम रहमत है, अल्लाह की रहमतों का मी बरसेगा, इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन हकीकी फ़ायदा वही हासिल करेगा जो अपने गुनाहों को मल मल के धोएगा और अपने आप को साफ करने की कोशिश करेगा। तो अपने मन के मैल उतारने हैं, अपने बातन के मैल उतारने हैं, अपने आमाल की दुरुस्तगी की कोशिश करनी है। सलात तरावी मस्जिद में नहीं आ सकते तो घरों में पढ़ लीजिए, जिस तरह बड़ी उम्र वाले लोगों को, बीमार लोगों को कहा गया कि आप घरों में पढ़ लें, बच्चों को कहा गया, लेकिन छोड़िएगा ना।
ये रमजान मुबारक का खास अमल है। आजकल दीन बेजार तबका मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के मस्जिद पर, मदरसे पर, तरावी पर, इन चीज़ों पर तबसरा कर रहा है और इतना हल्का साबित करना चाह रहा है इन उमूर को, जिस तरह ये चीज़ें होती कुछ नहीं है। जबकि माह सियाम के क़याम पर मेरे और आपकी आपको मौलाना ने बिशारत देते हुए फरमाया, मन क़ाम रमदान ईमानम व इहतसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिसने रमज़ान मुबारक की रातों में क़याम किया ईमान और मुहासबा नफ्स के साथ, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये बहुत बड़ी दौलत है, तो इस दौलत को ज़रूर समेटिएगा, ज़रूर हासिल कीजिएगा, मन की सुथराई, इफ़त और पाकिजगी का सामना कीजिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में, अपनी हिफाजतों के हिसार में रखें।